चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर में आते हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला हुआ क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी, एन जो है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो सकता है। कोई दो चार्ज Q1 Q2 के बीच का फोर्स कितना डेवलप होता है, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर, F को बोलते हैं कूलम्स फोर्स, R उसके बीच का डिस्टेंस होता है चार्ज के बीच का। कूलम्स फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन, तो F इक्वल टू क्यू होता है, जहाँ पे Q को हम लोग टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे K का फॉर्मूला 1/4 ε0, K का वैल्यू 9×10⁻⁹ होता है। स्मॉल r जो होता है वो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाना है किसी भी क्लोज सर्फेस से, तो मान लीजिए सरफेस का स्मॉल एरिया ds है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, E.ds वेक्टर फॉर्म में, और जिसमें डॉट लगता है उसमें तो cos थीटा डेफिनेटली यूज़ किया जाता है, तो E.ds cos थीटा होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक दूसरा फॉर्मूला है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू नेट है टोटल चार्ज। पोटेंशियल चार्ज का एबिलिटी है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसके बनाने की एबिलिटी को पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क फ्रॉम ए टू बी बाय क्यू, क्यू यहाँ पर टेस्ट चार्ज होगा। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है, यहाँ पे के का वैल्यू पता ही है 1/4 ε0 होता है। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल कितना होता है, यहाँ पे पी को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। डायपोल में क्या दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, कुछ दूरी पर सेपरेट होते हैं वो लोग। इसका फॉर्मूला के पी cos थीटा बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, यहाँ पर डीवी बाई डी आर के पोटेंशियल ग्रेडिएंट बोलते हैं। अच्छा, दो चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो U बराबर या वर्क डन बराबर के क्यू एन क्यू टू बाई आर वन टू, मतलब R डिस्टेंस 1 to 2 की तरफ हम ले रहे हैं, 1 to 2 ले रहे हैं। ये सिंपल R भी यूज़ कर सकते, R1 भी यूज़ कर सकते, ना पड़ा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाई 2π ε0 R। आर आप डिस्टेंस लीजिए, चाहे उसका सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया लीजिए। सेल के आउटसाइड कितना फील होता है, KQ बाय आर स्क्वायर। ऑन द सेल कितना होता है, KQ बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर सेल का रेडियस होना चाहिए। अच्छा, दो सीट के बीच में कितना फील्ड होता है, दो प्लेन सीट है मेटेलिक सीट, उसके बीच में कितना फील्ड होता है, तो ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिंगल सीट का फील्ड कितना होता है, सिंगल सीट या प्लेन सीट, इन्फिनाइट प्लेन सीट के आसपास कितना फील्ड होता है, मेटेलिक सीट के आसपास कितना फील्ड होता है, तो ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 ε0। अच्छा, कैपेसिटर क्या होता है, जो चार्ज को स्टोर करता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर अलग अलग फॉर्म मिलते हैं, उसी में से एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसको चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी होता है, तो उसका फॉर्मूला सी इक्वल टू 4π ε0 R होता है। वैसे पैरेलल प्लेट का क्या होता है, तो सी इक्वल टू ε0 A बाय D होता है, यहाँ पर D उसका डिस्टेंस होगा प्लेट के बीच का, A जो होता है उस प्लेट का एरिया होता है, और दोनों प्लेट सेम एरिया के होते हैं। अच्छा, कैपेसिटर को दो तरीके से जोड़ते हैं, सीरीज पैरेलल में, और सीरीज पैरेलल मिक्स भी होता है, लेकिन हम लोग को दो चीज़ जाना है, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज में कैसे आप जोड़िएगा, तो 1/C1, 1/C2, 1/C3 इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। पैरेलल में कैसे ऐड कीजिएगा, तो सी इक्वल टू C1 + C2 + C3। अच्छा, कैपेसिटर तो हमारा चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, तो उसका फॉर्मूला एनर्जी स्टोर करने कितना होगा, तो ½ Q² / C या ½ C² या ½ Q भी हो सकता है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ ε0 E²। अच्छा, शेयरिंग ऑफ चार्ज जब हम करते हैं तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 V1 + C2 V2 / C1 + C2। उसके बाद एनर्जी लॉस कितना होता है, जब हम चार्ज का शेयरिंग करते हैं, तो E1 - E2 इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू C1 - C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर बाय 2 × C1 + C2। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या लेते हैं, तो K इज इक्वल टू 1 + कप्पा होता है, K को डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं। कैपेसिटर के बीच में हम डायरेक्ट स्लैब डाल देंगे, जिसका थिकनेस टी होगा, कैपेसिटर प्लेट के बीच का दूरी स्मॉल डी होता है, फॉर्मूला क्या होगा, C² ε0 C² C0 1/1 - D / T / D होता है। अब डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिए तो फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, C² ε0 A / D - T × 1 - 1/K, ये रहा।